जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में पदस्थ कामनी नामक नर्स को 31 दिसंबर को कार्यमुक्त कर दिया गया था। उसके बाद शुक्रवार को जब वह अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेने पहुंची तो उसे सिर्फ 11 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया। इस बात से नाराज होकर उसने मेडिकल कॉलेज के डीन से बात करने की कोशिश की। वहां मौजूद एक कर्मचारी ने कामनी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और धक्का देकर बाहर करने की कोशिश की। इस दौरान सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत द्वारा भी अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। डीन द्वारा अभद्र बातचीत का आरोप लगाया गया है। इन्हीं आरोपों को लेकर कामनी पहले अजाक थाने शिकायत करने पहुंची, बाद में कोतवाली थाने। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता सुभाष बहत ने कामनी के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए कार्यवाही की मांग की है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। जैसे मुझसे विनायक ने हाथ लगाने की कोशिश की है वैसे तुम लगाओगे? तुम लोग हाथ लगवाते हो मुझसे? क्या कह रहे हो कि निकलो यहाँ से? नहीं मुझसे नहीं, आप लोग गलती कर रहे हो। मैं उस चीज के लिए बोल रही हूँ कि सर ये चीज कैसे हुई है? जो मेरी सैलरी नहीं आई है, मैंने कितनी बार तो बोला है, तो आप मुझसे कहते हैं निकलो यहाँ से, ये बदतमीजी। ये नहीं बोला मैंने, बोला आपने मुझसे ऐसा ही बोला है। आप कैसे लगा दिया मुझसे? नहीं आपने हाथ क्यों लगाया? मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ। करना चाहती हूँ, मेरे साथ पहले भी इन लोगों ने बहुत गलत किया है। मेरे डॉक्टर विनायक ने मेरे साथ करवाया था, अब ये सब लोग मिलके मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जब मैंने मेरी सैलरी के लिए बोला तो कोई जवाब नहीं उनके पास सैलरी के लिए, ना वो सैलरी देंगे। और सर सैलरी के लिए बोला तो उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया एक महीने का सर, जबकि मैंने इतने टाइम तक मैंने वहाँ पे काम किया है, कोई मतलब नहीं निकला सर। उन्होंने ये दे दिया और मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, बात की तो मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिया गया। एक तारीख को जो आपने हंगामा किया था और अपनी बात रखने के लिए थोड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, वहाँ चल रहे गड़बड़ घोटाले के बारे में उजागर किया था, क्या लगता है आज उसी का बदला लिया गया? उसी का ही बदला ले रहे हैं सर मुझसे सर लोग कह रहे हैं तुम्हें कोर्ट जाना है, कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, कुछ नहीं होगा आपका। ये कामनी बेटी है हमारे अनुसूचित जाति की और नर्सिंग स्टाफ में है, ये इनको बहुत गलत तरीके से हटाया गया है। जब भी अपना अधिकार मांगने मेडिकल कॉलेज पहुंची तो वहाँ इनके साथ बदतमीजी की गई, इनसे दुर्व्यवहार किया गया, इनका हाथ झटका गया और एक ही तारीख में दो दो सर्टिफिकेट अलग अलग डीन द्वारा जारी किए गए, जो एक बहुत गंभीर अपराध है, 420 का मामला है। इस तरीके से अगर एससी की बेटी और जो कोरोना वायरस कार्यकाल में अपनी सेवाएं जान हथेली पर रखकर दे रही थी, उन्हें अपमानित करना पड़ रहा है और वो चौराहे चौराहे दरवाजे दरवाजे अपने आंदोलन को लेकर भटक रही हैं और आज अनुसूचित जाति के थाने में आकर अपनी FIR दर्ज कराने न्याय मांगने के लिए आई हैं, ये शर्मिंदगी की बात है। मेरी पुलिस अधीक्षक महोदय से विनम्र आग्रह है कि इस प्रकरण को गंभीरता से लें और इसके खिलाफ अगर FIR बनती है तो दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए।